दुनिया में कुछ भी हो जाए पर एक चीज़ कभी भी नहीं बदलेगी, वो है खाना। अरे भाई, खाना खाना कौन बंद कर सकता है? कई लोग जीते ही खाने के लिए हैं। लेकिन खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये देखना कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस दुनिया में ऐसे भी चीज़ें खाई जाती है जिन्हें खाने के बाद आप दूसरी बार खा पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा। बुलफ्रॉग, जिसे अमेरिकन बुलफ्रॉग भी कहा जाता है, उसे अमेरिका, साउथ अफ्रीका और फ्रांस जैसे देशों में लोग बड़े चाव से खाते हैं। खास करके इनकी टांगें तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वैसे हम आपको बता दें कि इन्हें खाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर बुलफ्रॉग बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर छोटा है तो उससे कई सारी बीमारियां हो सकती है। ये देखकर आपके दिमाग में ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि दुनिया में इतनी चीज़ें हैं पर लोग इतनी डेंजरस चीज़ें क्यों खाते हैं, पर क्या करें, जिन्हें खाना है वो खाते रहेंगे। एल्डरबेरी, हमें पता है ये नाम सुनकर आप थोड़ा चौंक गए होंगे कि भला एल्डरबेरी खाने से किसकी मौत हो सकती है, पर आपने अभी तक इसके बारे में अच्छी चीज़ें ही सुनी है, क्योंकि कई रिसर्च में पता चला है कि अगर इसे बिना पकाए खाया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है, इससे साइनाइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके फायदे की बात करें तो इसे खाने से ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसे खाने से पहले ज़रूर पकाइए। और इसके फ़ायदे सुनने के बाद ये मत सोचना कि हम आने वाली हर चीज़ में फ़ायदे बताएंगे, हम ऐसी ऐसी खाने की चीज़ें दिखाने वाले हैं कि जिसे देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ब्लड क्लैम्प्स, सी फूड ऐसी चीज़ है जिसे बहुत से लोग खाते हैं, खास करके चाइना, जापान, कोरिया जैसे देशों में। लेकिन अगर आपको ब्लड क्लैम्प्स खाना पसंद है तो ज़रा संभल कर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। सबसे ज़्यादा इसे चाइना में खाया जाता है, और अगर हम इसे पकाने का तरीका बताएं तो आप और भी ज़्यादा चौंक जाएंगे। ना ही इसे पकाया जाता है, ना ही इसे रोस्ट किया जाता है, इसे बस गर्म पानी में उबाल कर खा लिया जाता है। इसे खाने से कई लोग हॉस्पिटल भी जा चुके हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ऑक्टोपस अक्सर फिल्म और कार्टून में दिखाया जाता है। खैर, वो सब छोड़िए, लोग इन 8 पैरों वाले जानवर को खाने का भी शौक रखता है, और कई लोग ऑन द स्पॉट भी मर जाता है, पर फिर भी आपको ये चीन के हर रेस्टोरेंट में खाने को मिल जाएंगे, और ये आपकी प्लेट में ऐसे घूमेंगे कि आपको देखकर ही कुछ खाने का मन नहीं करेगा। मंकी हेड, चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम में एक ऐसी चीज़ खाई जाती है जिसका नाम सुन के आप बोलेंगे अब 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा। जी हाँ, यहाँ के लोग मंकी हेड को खाते हैं। कई रेस्टोरेंट ऐसे भी है जहाँ बंदर को मार के सीधा उसका सर डिश में परोस दिया जाता है, और वहाँ के लोग चाव से खा भी लेते हैं, क्योंकि वो मानते हैं बंदर का सर खाने की प्रथा आज से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है। और वो इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इससे खाने से बीमारियां होती है, पर इन्हें बीमारियों से क्या, इन्हें बस खाने से मतलब है। पफर फिश, क्या आपने कभी पफर फिश के बारे में सुना है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक मछली है जिसमें जहर पाया जाता है, लेकिन जापान के लोगों की माने तो वो इस मछली को इतना पसंद करता है कि हर दूसरे तीसरे दिन इसे खाने पहुँच जाता है। अब इसके जहर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसे काटने के लिए एक स्पेशलिस्ट शेफ़ चाहिए होता है, जिन्हें पता हो कि पफर फिश कैसे बनाई जाती है। किसी आम इंसान ने इसे काट कर और पका कर आपके सामने रख दिया तो आप ये सोच लीजिए कि आप ज़्यादा समय जीवित नहीं रह पाएंगे। कहा जाता है कि एक पफर फिश में इतना जहर होता है कि 30 लोग आराम से मर सकते हैं। कासू मार्जू चीज़, चीज़ का नाम सुनते ही हमारे मुँह में पानी आ जाता है, पर अब हम जिस चीज़ के बारे में बताने वाले हैं उसे बनाने के तरीके को देखकर शायद आप नॉर्मल चीज़ भी खाना बंद कर दें। यह है यूरोप का कासू मार्जू चीज़, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक मिल्क प्रोडक्ट बताया गया है। इसे भेड़ के दूध से बनाया जाता है, और इस चीज़ को बनाने के लिए दूध कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े इस पर अपना अंडा दे सके। उसके बाद एक अंधेरे कमरे में उसे 3-4 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इसे बनाने के तरीके की वजह से इसे यूरोप में बैन कर दिया गया है, पर ब्लैक मार्केट में अभी भी ये हाई रेट पर बेचा जाता है। स्टार फ्रूट,
अब जिस फल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपने कभी ना कभी खाया होगा। स्टार फ्रूट यानी कि कमरख काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फल है। जिसकी किडनी ख़राब है वो तो इसके बारे में सोचे भी नहीं। रिसर्च करने पर पता चला कि जिसे किडनी की तकलीफ़ हो उसके लिए ये फल जानलेवा है। हालांकि जिन लोगों को किडनी की समस्या नहीं है वो इस फल को खा सकते हैं। और अगर आपने खाया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो के लिए कमेंट कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।